मैं संजना जाटव। आय पुष्पेंद्र सरोज। मैं शांभवी। मैं प्रिया सरोज। सागर ईश्वर खंडरे। प्रियंका सतीश जारकिओली। मैं इकरा चौधरी। खबर हाथ देखो सुन रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शालिका कृष्ण ठाकुर। खबर हाथ आपके लिए एक विशेष रिपोर्ट लेकर आया है जो आपको ये बताएंगे, जिस रिपोर्ट में विशेष तौर पर कि 2024 में हुए लोकसभा चुनावों में हमारी 18वीं लोकसभा में कौन कौन से वो युवा चेहरे हैं जिन्होंने जीत हासिल की है, जिन्होंने नए नए रिकॉर्ड कायम किए हैं, और ये युवा चेहरे राजनीति की ओर रुख कर रहे उस हर युवा के लिए एक बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है जो देश की राजनीति में सक्रियता के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 कई मायनों में खास रहा है। इस बार संसद में कई युवा सांसद देखने को आपको मिल रहे होंगे। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी मछली शहर और बिहार के समस्तीपुर से सबसे युवा सांसदों को जनता ने चुनकर भेजा है। राजस्थान की भरतपुर सीट से 26 साल की संजना जाटव ने सीएम भजनलाल शर्मा के गढ़ में भाजपा प्रत्याशी को शिकस्त देकर अपने आप में एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। इसी कड़ी में इस वीडियो में आपको उन युवा सांसदों के बारे में बताएंगे जो इस बार 18वीं लोकसभा में सांसद बने हैं और संसद तक पहुंचे हैं। सबसे पहले बात करेंगे पुष्पेंद्र सरोज की। उत्तर प्रदेश की कौशाम्बी सीट पर 25 साल के पुष्पेंद्र सरोज ने कमाल कर दिया। उन्होंने कौशाम्बी से दो बार के भाजपा सांसद विनोद सोनकर को करारी शिकस्त दी। पुष्पेंद्र सरोज 1,03,944 मतों से बड़ी जीत दर्ज उन्होंने की है। पुष्पेंद्र ने अपनी 12वीं तक की शिक्षा देहरादून से की है, इसके बाद स्नातक की पढ़ाई लंदन के क्वीन मैरी यूनिवर्सिटी से की है। पुष्पेंद्र सरोज 4 बार के विधायक और पूर्व मंत्री इंद्रजीत सरोज के बेटे हैं। आई पुष्पेंद्र सरोज हैव बीन इलेक्टेड अ मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल डू स्वेयर इन द नेम ऑफ गॉड दैट आई विल बेयर ट्रू फेथ एंड एलिजेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, and that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter. इसके बाद बात करेंगे प्रिया सरोज की। उत्तर प्रदेश की मछली शहर लोकसभा सीट पर सपा की 25 वर्षीय प्रत्याशी प्रिया सरोज ने भाजपा के मौजूदा सांसद बीपी सरोज भोलानाथ को हरा दिया है। प्रिया सरोज ने 35,850 मतों से जीत दर्ज की है। भाजपा के बीपी सरोज को 4,15,442 मत मिले थे। खास बात यह है कि 2019 लोकसभा चुनाव में बीपी सरोज ने सिर्फ 181 मतों से चुनाव जीता था। मैं प्रिया सरोज जो लोकसभा की सदस्य निर्वाचित हुई हूँ, ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगी तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाली हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक निर्वहन करूंगी। जय भीम, जय समाजवाद। चलिए इसके बाद बात करते हैं शांभवी चौधरी की। बिहार के समस्तीपुर लोकसभा सीट पर शांभवी चौधरी ने 25 साल की उम्र में लोकसभा चुनाव जीतकर नया कीर्तिमान रच दिया है। शांभवी नीतीश सरकार में मंत्री अशोक चौधरी की बेटी हैं। लोक जनशक्ति पार्टी राम विलास की टिकट पर चुनाव लड़ी शांभवी 5,79,786 मत उन्होंने हासिल किए। उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी कांग्रेस प्रत्याशी सनी हजारे को 1,87,251 मतों से शिकस्त दी है। मैं शांभवी जो लोकसभा की सदस्य निर्वाचित हुई हूँ, ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगी तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाली हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगी। आगे बढ़कर बात करेंगे राजस्थान की संजना जाटव की। राजस्थान की भरतपुर लोकसभा सीट पर 26 साल की संजना जाटव ने कमाल कर दिखाया। उन्होंने मुख्यमंत्री भजनलाल के गढ़ में भाजपा प्रत्याशी को करारी शिकस्त दी। संजना को कुल 5,79,890 वोट मिले। उन्होंने भाजपा प्रत्याशी रामस्वरूप कोहली को 51,983 मतों से पराजित किया।
मैं संजना जाटव जो लोकसभा की सदस्य निर्वाचित हुई हूँ ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और एवं निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता एवं अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगी। मैं जिस पद को ग्रहण करने वाली हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगी। जय जवान, जय किसान, जय संविधान, वंदे मातरम। इसके बाद बात करते हैं सागर ईश्वर खांडे। कर्नाटक के बीदर लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी सागर ईश्वर खांडे ने भाजपा प्रत्याशी भगवंत खुबा को 1,28,875 मतों से हराया। सागर को कुल 6,66,317 मत मिले। सागर ईश्वर खांडे की उम्र की बात करें तो वह महज 26 साल के हैं। सागर ईश्वर खांडे एम्बेसर नानो लोकसभा सदस्य नागे चुनायित नादव नागे कानून मूलक स्थापितवाद भारत संविधान के सत्य श्रद्धेयन्नु मत्तु निष्ठेयन्नु होंदिरुत्तेनेंदु भारत सार्वभौमत्वन्नु मत्तु अखंडतेयन्नु एत्ति हिडियुत्तेनेंदु मत्तु नानु ईग कैगोळ्ळलिरुव कर्तव्यवन्नु श्रद्धापूर्वकवागि निर्वहिसुत्तेनेंदु देवर हेसरिनल्लि प्रमाण माडुत्तेने। आदित्य यादव उत्तर प्रदेश की बदायूं लोकसभा सीट से चुनाव जीतने वाले सपा प्रत्याशी आदित्य यादव का नाम भी युवा सांसदों की सूची में आ गया है। उन्होंने 35 साल की उम्र में लोकसभा चुनाव जीता है। आदित्य सपा नेता शिवपाल यादव के बेटे हैं। आदित्य यादव को कुल 5,01,855 मत मिले। उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी भाजपा प्रत्याशी दुर्विजय सिंह शाक्यो को 34,951 वोटों से पराजित किया है। और आगे बढ़कर एक ऐसा नाम जो शुरुआत से ही चर्चाओं में था, इकरा हसन। कैराना सीट से सपा की टिकट पर चुनाव जीतने वाली इकरा हसन का नाम भी युवा सांसदों की सूची में शामिल है। 29 वर्षीय इकरा ने भाजपा प्रत्याशी प्रदीप कुमार को 69,116 मतों से हराया है। इकरा ने लंदन से अपनी पढ़ाई पूरी की है और हर जगह इकरा की चर्चा हो रही है। मैं इकरा चौधरी जो लोकसभा की सदस्य निर्वाचित हुई हूँ सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूँगी तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाली हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूँगी। जय हिंद, जय संविधान। प्रियंका जारकीहोली कर्नाटक के चिकोड़ी लोकसभा सीट से 27 वर्षीय कांग्रेस प्रत्याशी प्रियंका सतीश जारकीहोली ने 90,834 मतों से जीत दर्ज की है। प्रियंका ने भाजपा प्रत्याशी अन्ना साहिब शंकर जोले को शिकस्त दी है। प्रियंका सतीश जारकीहोली एंब हेसरिन नानु लोकसभा सदस्यळागि चुनायितळादवळागि कानून मूलक स्थापितवाद ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಸತ್ಯ ಶ್ರದ್ಧೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ನಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೇನೆಂದು ಭಾರತದ ಸಾರ್ವಭೌಮತ್ವವನ್ನು ಮತ್ತು ಅಖಂಡತೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯುತ್ತೇನೆಂದು ಮತ್ತು ನಾನು ಈಗ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಿರುವ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಶ್ರದ್ಧಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತೇನೆಂದು ಸಂವಿಧಾನದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ। तेजस्वी सूर्य बेंगलुरु दक्षिण लोकसभा सीट से भाजपा के टिकट पर तेजस्वी सूर्य ने दूसरी बार लोकसभा चुनाव जीता है। 33 वर्षीय सूर्य को कुल 7,50,830 मत मिले हैं। उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी सौम्या रेड्डी को 2,77,083 मतों से हराया है। और ये वो युवा चेहरे भारतीय संसद में जिन्हें आप हर किसी की आवाज़ बनते हुए देखेंगे सुनेंगे, अपने अपने लोकसभा क्षेत्र की आवाज़ को और मांगों को उठाते हुए देखेंगे। इन्हें मिलेनियल जनरेशन भी कहा जा सकता है, वो जनरेशन जो व्यस्क हैं और जो युवा होने के साथ साथ देश की अर्थव्यवस्था, सामाजिक कल्याण और देश की प्रगति को आगे बढ़ाने के लिए अपना योगदान देंगे। इस खास कड़ी में हम आपको 18वीं लोकसभा के उन युवा चेहरों से मुखातिब करा रहे थे जो अब देश का नेतृत्व करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे इस खास सेगमेंट में।